वेलकम टू जयपुर खंभागढ़ी। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयपुर टू डेज आइटनरी में। आज मैं आपको लेके चलती हूँ जयपुर का फेमस रॉयल सिटी पैलेस। इसे रॉयल पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आज भी रॉयल फैमिली रेजिडेंस करती है। इस सिटी पैलेस को बनाया था महाराजा सवई जयसिंह ने 17th century में और ये ऑलमोस्ट 300 ईयर ओल्ड है। ये पैलेस सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, तो आप रिक्शा पकड़ के भी डायरेक्ट जा सकते हैं और ये आप अपने आइटनरी लिस्ट में रखे ही रखे क्योंकि इस सिटी पैलेस के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिर क्या, रिक्शा पकड़ के सुबह सुबह मैं पहुंच गई सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का जो मेन टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 o'clock ओपन होता है, 5 o'clock क्लोज हो जाता है। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए आप मॉर्निंग के टाइम में जाइए क्योंकि मॉर्निंग में कम रश रहती है। इस पैलेस में रॉयल टूर होता है इसलिए आपको इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिटी पैलेस का एक और गेट है जहाँ पे नॉर्मल लोग भी आप बिना कम टिकट के कम पैसे दिए भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे वहाँ पे आपको एंट्रेंस जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सारे जो रूम्स जो यहाँ पे अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो उस पार्ट में नहीं मिलेगा। सिटी पैलेस का ये टिकट काउंटर है जहाँ पे आपको पहले टिकट लेना है। 3000 का टिकट है जिसमें आपका रॉयल टूर है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा जाएगा। टूर में आपको गाइड कंपलसरी है, बिना गाइड के आप अंदर नहीं जा सकते। और जब मैं अंदर घुसी यहाँ पर तो ये था फर्स्ट व्यू ऑफ रॉयल पैलेस। और यहाँ पे हमारे गाइड थे जो हमें डेडिकेट किए गए थे हमारे टूर के लिए, वो हमें मिले। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है रॉयल टूर। इस पैलेस का एंट्रेंस का जो गेट है काफ़ी बड़ा है और हर गेट में एक रॉयल गार्ड देखने के लिए मिलते हैं। रॉयल गार्ड का आउटफिट देख के तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, मतलब उनके कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे। देन उसके बाद बेस्ट पार्ट है इस रॉयल पैलेस का, इसका हर एंट्रेंस जो एंट्रेंस गेट है इस रॉयल पैलेस का इतना यूनिक आर्किटेक्चर मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। मतलब इस पे पूरा का पूरा कल्चर दिखता है हमारे इंडिया का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये रॉयल पैलेस का जो आर्किटेक्ट है इसमें कुछ जो आपको डिज़ाइन है, कुछ मुगल डिज़ाइन, कुछ आपको राजपूत और उसके साथ ही साथ कुछ आपको यूरोपियन भी देखने के लिए मिलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASK बाय आफरीन। तो आज है मेरा सेकेंड डे इन जयपुर और मैं अभी आई हूँ रॉयल पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे मैंने रॉयल पैलेस के लिए रॉयल एंट्री लिया है जिसके चार्जेस एंड ऑल मैं आपको सब सारा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कितने हैं। लेकिन यहाँ की खास बात ये है ना कि यहाँ के जो अभी किंग हैं सवई पद्मनाभ जी, वो अभी भी जो यहाँ के प्रिंस हैं वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। मतलब यही एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। तो ये जगह को देखेंगे, बहुत ही अच्छा है रॉयल पैलेस। यहाँ पे रॉयल टूर करने के लिए मिलेगा, मतलब एक दिन के लिए, मैं एक दिन के लिए नहीं 1 घंटे के लिए रॉयल एक्सपीरियंस जो है वो फील कर सकती हूँ। और आप लोगों को बताती हूँ कि अभी कहाँ पे रॉयल फैमिली जो हैं वो अभी कहाँ पे रहते हैं वो आप लोगों को बताती हूँ। ये पैलेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये सिर्फ एंट्रेंस वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो अभी हम लोगों को देखना बाकी है। तो वो पूरा आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि ये इतना फेमस क्यों है रॉयल पैलेस। तो मैं रॉयल पैलेस का जो रेजिडेंशियल वाला पार्ट है जहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली रहती है उस वाले पार्ट में आई हूँ। तो ये जो आप पैलेस देख रहे हैं ये पूरा रॉयल पैलेस है, यहाँ से मैंने एंट्री लिया है। और वो जो फ्लैग देख रहे हैं वो है रॉयल पैलेस, मतलब उस पैलेस में अभी भी किंग रहते हैं। तो वहाँ पे 2 फ्लैग लगा है, तो अगर ऊपर वाला फ्लैग है इसका मतलब कि अभी किंग पैलेस के अंदर है। अगर वो ऊपर वाला फ्लैग नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि किंग जयपुर में नहीं है, जयपुर से बाहर गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी और आप लोगों को मैं कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों को पूरा एंड तक बताती हूँ।
सिटी पैलेस 2010 से ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए। उससे पहले ये एक रॉयल फैमिली का रेसिडेंसी हुआ था। यहाँ पे लोगों को आना जाना अलाउड नहीं था, लेकिन 2010 के बाद से ये ओपन कर दिया गया बाकी पब्लिक के लिए। एज अ टूरिस्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस पैलेस के कुछ पार्ट पे आपको एंट्री दी जाती है जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, जिनमें से एक है पहला पैलेस जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, शोभा निवास। गोल्ड का पेंटिंग किया गया है मैम। आप जो स्टोन देखेंगे ग्रीन रेड येलो, ये मुरानो ग्लासेज हैं जिनको उस समय इटली से लाया गया था। ओके वो सामने आप ये ग्लास के अंदर देखेंगे, इनके अंदर रखा जाता था सर पहले नेचुरल परफ्यूम। अच्छा ये सब अत्तर बोलते हैं मैम। हाँ ठीक है। आज भी हम यहाँ पर रॉयल फैमिली का आर्टिस्ट है जो नेचुरल परफ्यूम बनाते हैं, उनको अवार्ड मिला हुआ। क्यों? जब बारिश का पहला बूंद जमीन में गिरता तो मिट्टी से उन्होंने परफ्यूम बनाया। उसको स्मेल करेंगे तो मिट्टी का सुंदर सुंदर स्मेल आएगा। अच्छा ऐसा लगेगा जैसे बारिश हुआ है। सो गाइस अभी मैं रॉयल पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ जहाँ पे रॉयल टूर ले रही हूँ। मैं पूरा अंदर से एक्सपीरियंस कर रही हूँ रॉयल फीलिंग को, रॉयल आर्किटेक्चर को देखने के लिए मिल रहा है, इतना अमेजिंग है। इसे कहा जाता है गोल्डन पैलेस और शोभा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है ये वाला पैलेस। ये पूरा गोल्ड का यहाँ पर वर्क देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर जो ग्लासेस हैं वो मतलब इटालियन है और जो लैम्प वगैरह है सैंडलर वगैरह वो सारा ईरान से आया हुआ है। तो मतलब एक्सपीरियंस एक घंटे के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ले लिया और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक घंटे की लाइफ तो यहाँ पे ऐसी देखी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं मतलब जो किंग है उनकी लाइफ कैसी होगी। सो यहाँ पे आके जयपुर में आप सिर्फ एक रॉयल एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं एक आधे घंटे 45 मिनट के लिए, विच इज़ एक्चुअली वर्थ इट। हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए और एक बार ये एक्सपीरियंस फील करके जाना चाहिए। सो अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो कौन सा पार्ट है देखते हैं, कौन से फ्लोर पे। सो अभी जा रही हूँ मैं ब्लू रूम देखने के लिए जो कि थर्ड फ्लोर पे है। रॉयल पैलेस के ब्लू रूम पे जिसका आर्किटेक्चर वर्क देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मतलब इतना अच्छा इंडिगो ब्लू कलर है ना, इसे कहा है ये जो पेंट है ना ये इंडिगो फ्लावर से बना हुआ है। और ये रूम को ब्लू इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा की जाती थी, इसलिए इसका पूरा जो थीम है ब्लू कलर का थीम है और बहुत ही अच्छा है। क्रॉस वेंटिलेशन होता है और मोस्टली इस रूम को रॉयल जो फैमिली यहाँ पे रहते थे पहले तो इसे समर के टाइम में यूज़ करते थे।
संकरी संकरी गली क्रॉस करके हम जा रहे हैं सीस महल देखने के लिए रॉयल पैलेस में। एंड वॉच ओवर इट। हाँ सर, वॉच ओवर इट। ये सब ऐसे पुराने जमाने टाइम का ही सब बना है, इसके पत्थर से पता चल जा रहा है। सो गाइस, मैं अभी रॉयल पैलेस के टॉप फ्लोर पे आई हूँ। ये फ्लोर स्पेशली डेडिकेटेड है शीश महल के नाम से, इसका नाम जाना जाता है। और काफी अच्छा है, यहाँ पे जो ग्लासेस यूज किए गए हैं जो मैंने आमिर फोर्ट में देखा है, वैसे ही पूरा इसका भी डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर बहुत अमेजिंग है। और मोस्टली ये जो फ्लोर होता है ना, कहा जाता है कि ये विंटर के टाइम में यूज किया जाता है ताकि जो ग्लास के मिरर के रिफ्लेक्शन है कैंडल्स जलाने पे वो हीट करता है। तो देखते हैं ये कैसा दिखता है, हमको यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में तो ऐसे लग रहा है जैसे तारे चमक रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ जो इस पैलेस के रॉयल गार्ड है, आपका नाम कल्याण सिंह, कल्याण सिंह जी के साथ। इन्होंने हमें ये फ्लोर का पूरा डिटेल्स बताया और हमें कैंडल जला के दिखाया कि रात में ये कैसे दिखता है और कैसे पहले के टाइम में राजा लोग ठंडियों के वक्त में यहाँ पे रहते थे। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पेंटिंग गैलरी देखने के लिए। मैं अभी भी रॉयल पैलेस में ही हूँ। कल से मौसम आज ज़्यादा अच्छा है क्योंकि धूप में राजस्थान चमकता हुआ दिखता है, इसलिए। सिटी पैलेस का मेन एरिया देख के, जिसमें से है शोभा निवास, शीश महल और ब्लू रूम देख के हम आगे बाहर। इसके बाद बाहर आते कोटियाट पे आते एक बाहर एक और नेक्स्ट साइड में आपको यहाँ पे पैलेस दिखेगा जिसे कहा जाता है मुबारक महल। ये एक्चुअली राजा के टाइम पे राजा के जो भी गेस्ट आते थे उनके रहने के लिए ये बना था, मतलब ये एक तरीके का गेस्ट हाउस था पहले। जो ये सामने देख रहे हैं आप, ये है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजा ने गाँव में रहने वाले जो भी उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे पहले टाइम में, उनके लिए रखा गया है वो आर्ट गैलरी। वहाँ पर आप जाके सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ भी वीडियोज़। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, जो रॉयल टूर का जो पैकेज मिला था उसमें पार्ट आता है रिफ्रेशमेंट का, जिसमें यू विल गेट टू हैव सम वाटर, जूसेस, फ्रूट्स, ड्रिंक। सो लेट्स सी कैसा है ये भी एक्सपीरियंस। थोड़ा सा जूस, पानी, चाय पीना। सो गाइस, जो ये रॉयल पैकेज था उसमें मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जहाँ पे सारे जो भी टूर के लिए आते हैं, सारा जब रॉयल टूर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे टेरेस पे उनको थोड़ा सा एक लास्ट में रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, क्योंकि आप पूरा घूम के थक जाते हैं तो चाय कॉफ़ी जूस के लिए। सो मैं इसी जगह पे आके बैठी हूँ। इनका एक मेन्यू भी होता है ऐसा, जिससे द सिटी पैलेस जयपुर है, इसमें अगर आप जो कॉम्प्लीमेंट्री मिला है उसको छोड़ के भी अगर आप कुछ खाना चाहें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप ऑर्डर देके खा सकते हैं।